अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर और आज हम लोग जा रहे हैं मलवारी पराठा कबाब। ये बेसिकली मौजूद है फैसल टाउन, और फैसल टाउन जहाँ पे टायर मार्केट्स है उसके पास। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको जाके। ओके, सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द मलवाड़ी और आज इसको एक्सप्लोर करने आए हम लोग। गैंग हमारा पूरा आया हुआ है, तो आज हमारे साथ जो कैमरा मैन साथ है उस्मान डोन है हमारे साथ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या इसको एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा और देखते हैं क्या सीन है इसका। और ये हमारा कबाब है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ बाइट। चटनी भी है, चटनी भी साथ लगा। लेट्स हैव अनदर बाइट। हाँ, चटने के साथ मजा आया। बाकी अगली डिश की तरफ वेट करते हैं और भाई खा के फिर अगली डिश पे जाता हूँ। और ये मेरा गैंग है, ठीक है। ये और इनका एंड पे रिव्यू लेंगे ताकि अभी स्कूल से खा लें। यार सीन इस तरह के हैं कि जो इंट्रो है वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो आपने इंट्रो देखा वो भी अभी रिकॉर्ड किया, और ये वाली वीडियो भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जो फूड ब्लॉग है प्रॉपर आपने जैसे देखा कि वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, तो आपने इसके ऊपर भाई को कुछ नहीं कहना क्योंकि मेरा इंट्रो ख़राब हो गया था इस वजह से। बाकी आप इंजॉय करें फिर से वीडियो। अच्छा जी, जो हमारी सेकेंड डिश है ना उसका नाम है मखनी हांडी, और उसकी कुछ लुक इस तरह से है, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव अ फर्स्ट बाइट। बाबा जी इसके पैसे हैं, कर कमाल कर गए यार, इसके लव हो गया। लास्ट है यार, लास्ट है। ले जी, हमने खाना खा लिया, ठीक है। और अगर मैं आपको नेस्ली रिव्यू प्रोवाइड करूँ, तो अगर आप लोग फैसल टाउन या मॉडल टाउन के पास रहते हैं ना, तो यार ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड जगह है, ठीक है। और दाल जिसकी जो मखनी कराई थी और जो कबाब थे, इट्स जस्ट लव यार, मतलब कि पैसे पूरे करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको अपने जो गैंग थे उनमें से कुछ बंदे बशिंदे मैंने पकड़े हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं, तो उन्हें किस तरह खाना लगा है। और इधर मैं अगर उस्मान साहब को अगर अपने अंदर कैमरे के अंदर लो फ्रेम के अंदर इधर आते इधर उधर, तो उस्मान आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है यार, बहुत मज़ा आया आज इनका खाना खा के।
अच्छा अगर आउटस्टैंडिंग टेस्ट था इनका, अगर आप इन्हें रेट आउट करें तो कितने में से कितने देंगे? मैं आउटस्टैंडिंग दूंगा, बहुत मजा आया। अच्छा, और दूसरा मशीन तो हम लोग पकड़ते हैं रिजवान अमजद, और रिजवान से पूछते हैं। जी जी रिजवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपको किस तरह का लगा इनका खाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, टेस्ट इनका मज़ेदार थी, इंशाल्लाह हर बंदे को ट्राई करना चाहिए। इनका टेस्ट के साथ चलती है और हर बंदे को खाना चाहिए, जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए। तो ये इनकी जो ट्राई, इनकी मखनी कढ़ाई हाईली रिकमेंडेड है और कबाब भी हाईली रिकमेंडेड है आप सबको। तो तब तक के लिए मुझे जल्दी अगले वीडियो और अगले रेस्टोरेंट के साथ में मिलता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अल्लाह हाफिज़।